अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC की जानिब से साल 2022 की पहली एडवर्टाइजमेंट इस मंथ के स्टार्ट में अनाउंस की गई थी। इस एडवर्टाइजमेंट में 450 के करीब जॉब को अनाउंस किया गया था जो कि फेडरल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में थी। इन जॉब में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी APS जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिवीजन में थे, असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर FBR और अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर FBR भी शामिल थे। अब इस जॉब एडवर्टाइजमेंट का ऑफिशियली सिलेबस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC की जानिब से अनाउंस कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन जॉब्स का सिलेबस क्या होगा, आपने इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को अभी से लाइक कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह की हर जॉब रिलेटेड वीडियो टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 का सिलेबस अनाउंस किया गया। यहाँ व्यूअर्स आप देख सकते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा गया, देन केस नंबर है, इसके साथ साथ पर्टिकुलर्स ऑफ पोस्ट है, देन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट मेंशन किया गया जो कि एडवर्टाइजमेंट में भी था। इसके साथ वाले कॉलम में टेस्ट स्पेसिफिकेशन और देन टॉपिक्स ऑफ सिलेबस को मेंशन किया गया है। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का सिलेबस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिवीजन और डिपार्टमेंट्स में अनाउंस की गई थी, लेकिन इनका जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 50 words per minute होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड स्पीड 100 words per minute होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, उसमें आपसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइपिंग और फॉर्मेटिंग के बारे में पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइपिंग ग्राफ्स और कैलकुलेशंस के हवाले से क्वेश्चंस होंगे, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टाइपिंग फॉर्मेटिंग इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स के हवाले से पूछा जाएगा। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के 35-35 मार्क्स होंगे, इस तरह से आपके 70 मार्क्स हो जाएंगे। और जो नीचे वाला पोर्शन MS वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट पे होगा, यहाँ पे आपके हर पोर्शन के 10 मार्क्स होंगे और 30 मार्क्स टोटल बनेंगे। तो इस तरह से 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। देन यूर असिस्टेंट डायरेक्टर BA-17 एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन की ये जॉब थी। यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, पार्ट 1 इंग्लिश का होगा जिसके 20 मार्क्स होंगे, पार्ट 2 में जनरल इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल टेस्ट होगा जो कि 80 मार्क्स पर कंसिस्ट करेगा। पार्ट 1 जो कि इंग्लिश का होगा, यहाँ पे वोकैबुलरी ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के हवाले से पूछा जाएगा। पार्ट 2 आपका बेसिक अर्थमेटिक जिसमें अल्जेब्रा रेशोज परसेंटेजेस अर्थमेटिक मीन्स के हवाले से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स में इश्यूज चैलेंजेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडी में बेसिक लेवल नॉलेज के हवाले से पूछा जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी क्वेश्चन होंगे। ये जॉब भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में थी, इसका BA-16 था। इस जॉब का पैटर्न भी सेम ही होगा जो कि अभी हमने असिस्टेंट डायरेक्टर के केस में डिस्कस किया है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर के केस में आपसे क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल में पूछे जाएंगे क्योंकि वो जॉब BA-17 की और ये जॉब BA-16 की है। व्यूअर्स, इस हवाले से मैंने भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनाई हैं, वीडियोस को देख के भी आप इन जॉब्स के टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए आपने यूट्यूब के सर्च बार में ASF इंस्पेक्टर ज़ूबी सॉल्यूशंस को मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको पहली वीडियो शो होगी, इस वीडियो में मैंने आपको पहले से सिलेबस के हवाले से बताया था, पास्ट पेपर्स और PDF बुक्स बताई थी जिनको यूज करते हुए आप इंस्पेक्टर ASF और असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आपको काफी हेल्प यहां से मिलेगी। देन व्यूअर्स, इसी जॉब एडवर्टाइजमेंट में इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर BA-16 जो कि रेवेन्यू डिवीजन FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जॉब है, इसका सिलेबस है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, यहाँ पे इंग्लिश के 20 मार्क्स होंगे, पार्ट 2 जनरल इंटेलिजेंस 80 मार्क्स का होगा। FBR डिपार्टमेंट की ये दोनों जॉब्स जो कि इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर और अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर की हैं, इनका सिलेबस सेम होगा। पार्ट 1 में आपसे ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से पूछा जाएगा, पार्ट 2 में बेसिक अर्थमेटिक्स जो कि अल्जेब्रा रेशोज परसेंटेजेस और अर्थमेटिक मीन्स पे कंसिस्ट करेगा, करंट अफेयर्स में इश्यूज चैलेंजेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज के MCQs होंगे जो कि बेसिक लेवल नॉलेज के होंगे, देन बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस इन MS ऑफिस के हवाले से पूछा जाएगा। जो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद इन लोगों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसका टाइम 3 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। पार्ट 1 में इंग्लिश ऐसे होगा जिसके 40 मार्क्स होंगे,
पार्ट टू में करंट अफेयर्स होगा जिसके 30 मार्क्स होंगे। करंट अफेयर्स में आपसे सीपैक एंड पाकिस्तान कश्मीर इशू, पाक यूएस रिलेशंस और अफगानिस्तान क्राइसिस के हवाले से पूछा जाएगा। पार्ट थ्री भी आपका 30 मार्क्स का होगा, यहाँ पे आपसे इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ आप इसी पेज पे देख सकते हैं, यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग्स बताई गई हैं, तो इन बुक्स को रीड करते हुए आप अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने सिलेबस को डाउनलोड कहाँ से करना है। इस सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए व्यूअर्स आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC की वेबसाइट पे आना है और एड्रेस बार में आपने www.fpsc.gov.pk मेंशन कर देना है। देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबी का एक ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिलेबी फॉर जनरल रिक्रूटमेंट होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। टॉप पे आपको कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 शो होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया कंबाइंड एड नंबर 1/2022.pdf, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये सिलेबस आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। आप जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सेव का बटन प्रेस करके सेव कर सकते हैं और ये सिलेबस आप मुझे व्हाट्सएप करके भी रिसीव कर सकते हैं। बस अपनी आज के स्टूडियो में हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC की जानिब से अनाउंस की जाने वाली एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 का सिलेबस डिस्कस किया है। बस उम्मीद करता हूँ सिलेबस के हवाले से तमाम क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो जूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे ज्यादा चाहूंगा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।